वेलकम बैक गाइस माय यूट्यूब चैनल। तो अपने पास निंजा ही है, तो शॉप है अपनी रफन टफ, और निंजा है जो अपनी न्यू मॉडल है एपीएस 300। तो इसी के अंदर मैं एग्जॉस्ट इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो एग्जॉस्ट इंस्टॉल करने के बाद जो ऑनर है वो जो एग्जॉस्ट लगवाएंगे, तो उनकी मैं आपको वो सुना रहा हूँ। तो अभी स्टार्ट करते लगाना और आपको दिखाता हूँ कौन सी फिटिंग कहाँ पर होती है। सो गाइस नेक्स्ट फिर है बिग एक्रा पाविक, तो इसकी वॉइस सुनते हैं। तो इसकी वॉइस सुनाया तो आपको, और प्लीज गाइस जज करना कि मैं कौन सा वाला इसमें इंस्टॉल कराऊं। कि मैंने इसमें हॉर्न भी इंस्टॉल कर रखे हैं, तो हॉर्न मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिंटा का हॉर्न मैंने ऊपर लगाया और एक एनर्जी हेड लगाया, तो उसकी मैं आपको वॉइस अब सुनाता हूँ, तो आप बताना इसकी वॉइस कैसी लगी। तो गाइस ये टोटली अपना फाइनल है। तो ये हमारे दो भाई हैं जो कि शॉप के ऑनर भी हैं और वर्कर भी हैं, तो बहुत ही मेहनती बंदे हैं। दोनों तीनों काम खुद ही करते हैं। जो शॉप है अपनी वो है रफ एंड टफ। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि स्लाइडर भी हमने पहले इंस्टॉल किया था इसके अंदर, तो आप स्लाइडर देख सकते हो। तो स्लाइडर की फिटिंग मेरे पास दोनों होती है, एक सिंपल एल वाली भी होती है, एक पूरी लॉन्ग वाली भी होती है। तो दोनों स्लाइडर अपने पास दोनों फिटिंग अवेलेबल है, स्लाइडर विद फिटिंग। तो ये भी आपको मिल जाएगी मेरी शॉप पर अवेलेबल। बाकी लैमिनेशन वगैरह, इसका वाइजर वो मिल जाएगा आपको, इसके मिरर इंडिकेटर मेरा वही आपको मिल जाएंगे। अगर आपको हाईलाइट का वाइट बल्ब चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा, इसकी हैंगलेट मिल जाएगी, इसका नंबर प्लेट होल्डर मिल जाएगा, फोन होल्डर मिल जाएगा। तो अपने पास सारी ऐसी अवेलेबल होती हैं। तो आप मेरी शॉप पर विजिट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा होगा, तो कॉन्टैक्ट नंबर से भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपको टोटली हर चीज़ का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो गाइस ये जो बाइक के ओनर हैं, तो ये उनकी चॉइस थी, तो इतना फाइनल लगा चुका हूँ। और उसकी वॉइस मैं आपको सुनाता हूँ और आप भी बताना आपको कैसी उसकी वॉइस लगी है। अगर आपको बाइक करना हो तो आप शॉप पे विजिट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, डिटेल के अंदर वो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको उसकी वॉइस फाइनली सुनाता हूँ। आप कम दोनों अभी इसमें भी डीपी कलर लगा हुआ है, तो डीपी कलर के बाद इसकी आवाज़ है बिल्कुल सॉफ्ट, तो आपका कोई चलान वगैरह नहीं कर सकता इसके अंदर।